मेरी जिंदगी एक कहानी है। इस कहानी के अंदर इतने झूठ नहीं पाई जाती है जितना रिहायत पाकिस्तान के मजमून में ही पाई जाती है। दुनिया में वो वाहिद इस्लामी रियासत हूँ जहाँ पे भी किसी मुसलमान भाई को कोई मुश्किल पेश आए मैंने मदद की है। हमारे इदारे दुनिया की नंबर वन इदारे हैं। हमारे आईन व कानून इस्लामी है और हम सारे पाकिस्तानी हैं। मुतलिहा पाकिस्तान वो तारीखी किताब है जो दलाहिल और तहकीकात पर मबनी है। नक्सी गोरे ने, नक्सी इंडियन ने हकीकत और तहकीकात पर मबनी उन किताब लिखा है। जो भी उन्होंने लिखा है सब के सब झूठ है। मेरे बच्चों और अमवतनों और मेरे बुजुर्गों गौर से सुनो, आपने मुतलिहा पाकिस्तान के बगैर किसी किस्म की किताब नहीं पढ़नी है। आपको पता है ऐसी किताबें पढ़ने से तुम्हारे जीवन से खून भी छीन सकते हैं। ऐसी किताबें पढ़ने से तुम बागी भी बन सकते हो और हमारे दिन व रात की अंताक कोशिशों से आपको मुतलिहा पाकिस्तान की शक्ल में उर्दू में किताब शाया किया है। इंडिया हमारे तारीखी दुश्मन है। हम इंडिया से क्रिकेट से लेकर टेक्नोलॉजी तक सारे फील्ड में अच्छे हैं। क्रिकेट में सारे ही शाहीन पाए जाते हैं। सितंबर 11 सितंबर 1930 में हमने इंडिया को 228 रन से हराया। कोहली को, रोहित शर्मा को स्टेडियम में भी नहीं होने चाहिए। और इंडियन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है उनको घर नहीं बैठना चाहिए। शबाखतर ने कहा था हम फाइनल में भी भारतीय टीम से जीत लेंगे। जहां सब इंसानों को इंसानी हकूक मिल रहे हैं। 70 साल की तारीख में इनके साथ पाकिस्तान की कोई ज्यादा नहीं हुई है। बलूचिस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी अच्छी और आमदा यूनिवर्सिटीज मौजूद है। कुछ दिन पहले चाइना ने अब्दुल सत्तार रोड में पुरानी अकबर ज्वेलरी वाली दुकान के ऊपर बनाए डिजाइन में पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी भी बनाई है जो 70 माइल मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़ी यूनिवर्सिटी होंगे। वेल बी द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो एक तवील फासले में है। खैबर पख्तूनख्वा वाले सारे सरमाएदार है। पख्तूनख्वा सरमाएदारों की सरजमीन है। यहाँ पर लोग नाश्ते के साथ 2 अंडे भी खाते हैं, प्याज के साथ दाल खाते हैं और शाम के वक्त 20 रुपए की अचार घर के लिए जरूर ले जाते हैं। इसी तरह चित्राल और सिंध की गांवों में यूएसए के 20,000 इन्वेस्टर आ गए थे। पाकिस्तान में कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद में और पंजाब में कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। न यहाँ पे कोई दहशतगर्दी है। दरहकीकत आप लोग पाकिस्तान से थोड़ा दूरी पे हैं। कोई सिंध में है और कोई पख्तूनख्वा में और कोई बलूचिस्तान। हम 70 साल की कोशिशों से यहाँ तक आ गए हैं कि हमने बहुत ही तरक्की की है। हमने 70 साल ये कोशिश की कि दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जाए और पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने काफी हद तक हमने दहशतगर्दी पर कंट्रोल पाया है। हत्ता के हमको किसी मुल्क से भी मिलिट्री एड्स नहीं मिल रहे हैं। मजीद तहकीकात के लिए हमें 70 साल और भी चाहिए ताकि हमारे दुश्मन को मिटा सके। आजकल अमेरिका के साथ हमारे पाकिस्तानी की तहकीकात
बात करना तो पड़ेगा। और से सुनो मैं पाकिस्तानी उत्तरिया पाकिस्तान को ना मानने वाला शख्स रियासत पाकिस्तान से बदार है। चीजें हमारे उत्तरिया पाकिस्तान में मौजूद है वो चीजें दुनिया में वाहिद एक सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान में है वो उसको हम कहते हैं मुतलिया पाकिस्तान। इसी मुद्दा में इसी मुतलिया पाकिस्तान की मदद से आप वीटो पावर से भी आगे जा सकते हैं। बात सुनो मेरे पाकिस्तान, रियासत माँ की तरह है। इस रियासत की बदौलत मैं यहाँ दहशतगर्द आए हैं, ना यहाँ पे कोई दहशतगर्दी है, ना यहाँ पे कोई मिसिंग पर्सन है। ये तो बहुत आइडियल वर्ल्ड है। हमारे महशियत दुनिया में पहली नंबर पर है। ये इम्कान है और हमारा ये उम्मीद है कि हम चाइना से भी आगे जाएंगे। Ha ha ha!